अभी थोड़ी देर पहले अमृतसर में बीएसएफ का हेडक्वार्टर है खासा में, वहाँ से बहुत दुखद घटना बोल रहे सामने आई है। एक जवान है कटप्पा, उसने अपने चार साथियों को गोली मारी और फिर बाद में खुद को गोली मार ली। चार तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, पांचवा वो भी खत्म हो गया, कई साथी घायल भी हैं। सोच रहे हो गए यह न्यूज बताने का कारण क्या है? सुनिए, ये कोई पहली घटना नहीं है बीएसएफ के अंदर, इससे पहले भी कई बार ये घटनाएं घट चुकी हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ ये अर्धसैनिक बल जो होते हैं गृह मंत्री के अंडर में आते हैं, गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं ये। पिछले कुछ महीनों से लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं। क्यों सामने आ रही हैं? किसी ने इस बात पर गौर किया है? गृह मंत्री साहब कोई जवाब नहीं देंगे, आप उनसे जवाब लेने के बारे में सोचना भी मत, बोल देंगे घरेलू टेंशन होगी या और कुछ होगा। क्यों होती है टेंशन? कभी सोचा इस बारे में? कभी विचार करके देखना। हुई है इक्का दुक्का घटनाएं ऐसी, आर्मी में भी हुई हैं, लेकिन बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ इनमें बहुत ज़्यादा होती है घटनाएं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यह गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। दूसरी बात, देश के अंदर 90% लोग, और ये यूट्यूबर तो अपने आप को कुछ बोलना ही मत, यूट्यूबरों को तो यही नहीं पता कि फौजी कौन सा होता है, कौन होता है कौन नहीं होता, इनको तो फौजियों का ही नहीं पता है। बीएसएफ वालों को फौजी बोल देते हो आप, जबकि खुद एक जनरल साहब ने, जनरल दीपक कपूर ने बोला हुआ था आप फौजी शब्द नहीं लगा सकते बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के जवान के सामने, लेकिन लगाते हैं लोग, विशेष तौर पर न्यूज़ वाले लगाते हैं। यूट्यूबर या बड़ी न्यूज़ वाले हैं उनको भी नहीं पता है, पता नहीं किसी को कुछ भी, लेकिन वो लगा देते हैं। जनता है, ठीक है। आज एक देख रहा था, कई भाई थे ये लिख रहे थे 2016 में आर्मी ने गोली मारी थी जाट के बच्चों को, आर्मी डिप्लॉयड थी कहीं पर? आर्मी कहीं पर भी डिप्लॉयड नहीं थी। ये चीज़ें हैं जो आप आर्मी को बदनाम करने के उसमें रहते हो। आंदोलन के दौरान मेरी बहस हुई थी, सबको पता है ये चीज़। वहाँ पर एक बुजुर्ग था, बोला आर्मी ने हमारा गोली मार दी थी। मैं, आर्मी कभी लगती है? बोला ये लगी आर्मी, मैं सीआरपीएफ के लोग है, ये सीआरपीएफ और बीएसएफ के लोग लगते हैं, आर्मी कभी नहीं लगती। बोला ये आर्मी है, ऐसी जिद लगा लेते हैं लोग, उनको पता कुछ भी नहीं होता, पता नहीं होता उनको कुछ भी। पहली बात तो आप इस बारे में पता कीजिए, आर्मी और अर्धसैनिक बल में क्या फ़र्क है? इस अंतर को जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ इनके सामने आर्मी शब्द नहीं लगाओगे, आप फौजी शब्द नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते आप फौजी शब्द इनके सामने, लेकिन लोग लगा रहे हैं। आप पहले खुद में बदलाव कीजिए। सवाल करते हैं हम सरकारों से, सवाल कर देते हैं, करने हैं, सबका अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है भाई, सरकार से आप जाए सवाल कर सकते हो कि हमारा ये काम हुआ ये नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले खुद भी बदलिए, थोड़ा बहुत खुद में बदलाव लाइए। आते हैं कुछ लोग फेंक आईडी बनाकर, हालांकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये सोशल मीडिया पर फेंक आईडी बनाकर जो गंदे गंदे कमेंट करते रहते हैं, ये अपनी माँ बहन की आईडी पे भी ऐसे ही कमेंट करते हैं, इसलिए इनसे फर्क नहीं पड़ता। ये 2014 की पैदाइश है, उससे पहले खत्म थे ये लोग, 2014 में पैदा हुए, और 2014 में पैदा हुए 8 साल के बच्चे की बुद्धि देख लो कैसी होती है, ज्ञान इनको बहुत होता है, व्हाट्सएप पर क्या हो रहा है, फेसबुक पर क्या हो रहा है, और सबसे बड़ा ज्ञान इनको मिलता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, गोदी मीडिया, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। माफ़ी मांगी सुधीर दिहाड़ी चौधरी पौधरी, कोई चौधरी लगाता अपने आप में, सुसुधीर के नाम है उसका, चौधरी लगाता अपने नाम के सामने, उसने माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगनी पड़ी ना उसको। क्यों दिखाते हैं झूठी न्यूज़? उन्होंने बोलिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात करने के बाद 6 से 8 घंटे तक युद्ध को रुकवा दिया, तब जाके बच्चे निकल पाए, जबकि खुद पीएमओ ऑफिस में किसी को पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ है। वो न्यूज़ देख के और आप बहसबाजी करने के लिए आ जाते हो, कमाल का दिमाग पाया आप लोगों ने, कमाल का। अभी जो आंदोलन चलेगा पहले ही बता देंगे, आपको लूटने के लिए तैयार हो गए। ये युद्ध हो जो यूक्रेन और रशिया का, कहीं पर भी आपको वैक्सीन का जिक्र मिला? कहीं पर भी नहीं मिला। कहीं पर आपको धर्म खतरे में मिला? किसी का धर्म खतरे में नहीं मिला। कहाँ गई वो वैक्सीन जो इतना दबाव प्रेशर दिया जा रहा था, किसी को याद नहीं आई? कहाँ गई वो महामारी इस युद्ध के उसमें? ख़त्म, कहीं पर कोई जिक्र ही नहीं। जैसे ही चुनाव आता, चुनाव में ख़त्म हो जाती कोई भी महामारी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इससे तो अच्छा है हर रोज़ चुनाव चलने दो, कम से कम ये महामारियाँ तो ख़त्म होती रहेंगी लोगों के दिमाग से। कल कोई क्रिकेटर मर गया था, और कुछ लोग होते हैं जो हार्ट अटैक हो जाता है किसी को भी, वो निकाल कर ले आते हैं न्यूज़ को कि हाँ इसने वो करवाया होगा, वैक्सीन लगवाई होगी तब मर गया होगा हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक आपके खान पान पर निर्भर करता है। आजकल जो खाना खाते हो ना बाहर से लेकर, वो करके ऑर्गेनिक खाना जब तक नहीं खाओगे, ऐसे ही हार्ट अटैक और ये बीमारियाँ
आप इनवाइट कर रहे हो बीमारियों को, अपने आप इनवाइट कर रहे हो। इस तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, 4-5 केस तो अभी सामने आ लिए। छोटे छोटे बच्चे इस गेम में घुसे रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए उनकी तरफ। अगर बड़े ने कुछ बोल दिया, बच्चा गुस्से में आकर सुसाइड कर लेता है, क्यों करता है? कहाँ से आ रहा है दिमाग में ये? अपने आप में सुधार करो, ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी बहुत जानकारी रखा करो, जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। गोदी मीडिया से अलग जानकारी रखा करो। आपको जानकारी समय समय पर देते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन पहले अंतर को पहचानिए, कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। बहुत फर्क होता है इन चीज़ों में। आप नॉर्मली बोल देते हो, क्योंकि गाँव में अमूमन शहरों में आदत होती है फौजी आ गया, लेकिन फौजी से क्या है बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में, हकीकत में फौजी कौन है कमेंट बॉक्स में बता देना। इंतज़ार रहेगा आपका। आप सभी को एक डंडे से आंख लेते हो, बताना ज़रूर, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यूट्यूब पर कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।